तो ये जगह जो है किमाड़ी रोड से अगर आप मसूरी जाते हो तो उसी बीच में पड़ती है। यहाँ से लंबी धार लगभग 12-13 किलोमीटर है, हाथी पांव से जॉर्ज एवरेस्ट पीक जाएगा। आपका वीडियो आ रही तो आज से एक साल पहले मैं ठीक इसी रास्ते से गया था अपने दोस्तों के साथ जॉर्ज एवरेस्ट पीक। तो अब आगे देखिए आप मेरे दोस्तों के साथ हम कैसे गए थे। हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक की तरफ। मसूरी में एक काफ़ी लोकप्रिय स्थान है और ये मेन कैमरा से तो नहीं दिखेगा, ये है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। यहीं से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये रास्ता जा रहा है सीढ़ियाँ। ऊपर एक टीला है और टीले से पूरी घाटी का अद्भुत विहंगम दृश्य दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाता हूँ आपको जॉर्ज एवरेस्ट पीक। नॉर्मल रास्ता होता और 50 मीटर चले और 10 सीढ़ियां चले एक बार, चढ़ाई तो होती नहीं है वहां। तो चलिए और चढ़ते हैं और जॉर्ज एवरेस्ट पीक की तरफ चलते हैं। चलिए इस तरह के रास्ते में चलना फिर भी थोड़ा सरल होता है, सीढ़ियों वाला रास्ता दिखने में सुविधाजनक अवश्य होता है किंतु चलने में बहुत ही दुभर। और ये कुछ ही है जो बची हुई है, अधिकतर बर्फ तो पिघल चुकी है। रुक 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 रुक।
जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर पहुंच चुके हैं। यही है वो जॉर्ज एवरेस्ट पीक। चारों तरफ खूबसूरत पर्वत, ये इस तरफ है मसूरी और ये देहरादून। तो देखिए तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक की यात्रा का अनुभव आपका कैसा रहा? अच्छा था, ग्रेट। यही था जॉर्ज एवरेस्ट पीक। और अब शाम के 5 बज चुके हैं और ठंड भी काफ़ी पड़ रही है और हमें देहरादून तक वापस जाना है स्कूटी से। तो अब हम वापस निकल रहे हैं और उतराई काफ़ी, ढलान काफ़ी तीखी है। ये प्लेन्स के लोग हैं, देसी लोग हैं ये, देसी। मैं तो पहाड़ी हूँ, ये हैं दोनों देसी। इन्होंने बर्फ कभी देखी नहीं है, देखो कैसे खेल रहे हैं। ये देखो, दो देसी लोग पहाड़ों में घूमने आए हैं। From MP. MP के देसी लोग, इंदौरी, प्योर इंदौरी। इंदौरी हैं ये दोनों के दोनों। नहीं, ये तो यूपी का है। नहीं है वो भी, ये तो यूपी की नहीं है, इनसे ज्यादा वाला इंदौरी हूँ मैं। इंदौरी
हाँ ऑलराइट, तो कुछ बर्फ में मस्ती और अब फाइनली हमें अब हमें ऑफ रोडिंग पैकिंग करिए। ये देखो कितनी सॉफ्ट है अभी भी। ये हमने वापसी के टाइम हमने थोड़ा दूसरा रास्ता लिया है, यहाँ पे बर्फ थी, स्लिपरी भी है। तो फाइनली मैंने पीनी है, हम जॉर्ज एवरेस्ट पीक जो कि वहाँ है, ये वहाँ जाकर हम आ चुके हैं। हालत खराब हो चुकी है थोड़ी, अब थकान तो है ही है, थोड़ी नहीं थोड़ी बहुत ज्यादा है, बट सुकून बहुत है, मजा बहुत आया। इसको आप कह सकते हो मंगलमय मंगलवार, लास्ट में स्नो फाइट भी हुई। हाँ, थोड़ा लास्ट में स्नो फाइट भी हुई, मजेदार रहा, सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने करा। तो जाते हुए हम इस रास्ते से गए थे, खराब करने की फिराक में था ये बदतमीज इंसान। मैं बताना, जाते हुए हम यहाँ से गए थे, पर वापस जो हम ये सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गए, पीछे से आए सीढ़ियों से ऊपर होते। तो फाइनली हम सभी ने अपना ये आज का जो ट्रिप था खत्म कर, ये एक रैंडम ट्रिप था हमारा, कोई ये प्री प्लान नहीं था कि हमें कहाँ जाना, हमने बस स्कूटी उठाई और चल दिए और लास्ट में जिम में भी वैसे तो वैसे हम जो थे कहाँ, लंबी धार, क्या था लंबी धार, शायद हम लंबी धार, किमाड़ी से किमाड़ी से लंबी धार का प्लान बनाकर निकले थे। फिर हाथी पाव, प्लान वैसे लंबी धार का था, पर फिर हम यहाँ आ गए। ये एक तरह से रैंडम टूर था और काफी आनंद आया। ये ऊपर है एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट टॉप यही है। तो हम इस रास्ते से गए थे, ये जो रास्ता है ट्रैकिंग वाला, पर वापस आते हुए हमने शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट में हमें बर्फ भी मिल गई। और ये वही है, ये उसी बर्फ का, बर्फ का ये हमारी स्नो फाइट, ये मेरी स्नो फाइट, ये रही मेरी बर्फ, ये देखो जैकेट में बर्फ भरी हुई है। तो अब काफी यार, खैर बहुत लंबा ट्रैक नहीं है, छोटा सा ही है, 1 किलोमीटर होगा शायद, हार्डली है ना, एक डेढ़ किलोमीटर का ट्रैक वैसे। हाँ, नीचे से अगर देख ले तो नीचे से 2 किलोमीटर नीचे से 2 किलोमीटर के रहेगा, दो तीन होगा। हाँ, स्टार्टिंग से, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है, पर जो मेन एक्चुअल ट्रैक है ये वाला, ये शायद 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, ये सीढ़ियों वाला रास्ता, हाँ, सीढ़ियों वाला 30-40 मिनट, पर काफी अच्छा है, मतलब ऊपर जाकर 360 व्यू है और ये अभी सनसेट का सा टाइम है, तो इस टाइम फोटो फील रिलैक्स। तो अब काफी थकान भी हो चुकी है, तो हम सोच रहे हैं कि अब हम नीचे पहुंचते हैं और चाय वाय पीकर फिर हम निकलेंगे देहरादून। देहरादून तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी अगले बाय बाय ब्लॉग स्नो फाइट में बाय अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय राम जी की, ओम नमः शिवाय। कहाँ रखे हो? मसूरी। और ये बेबी देखो, मसूरी में ठंड हो रही है और ये आइसक्रीम खा रहा है। कहाँ रखे हो? कहाँ रखे? कहाँ रखे?